इटावा के बर्थना कोतवाली ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उसरहार में यानी कि बर्थना मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा कर पलट गई, जिसमें कार में सवार कई लोग घायल हो गए। हालांकि राहगीरों ने सभी घायलों को इलाज के लिए बर्थना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर, गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी पुलिया में टकरा गई। कितने लोग गाड़ी में थे? चार लेडीज थी। और आप थे? ड्राइवर था, बच्चे थे? चोटें किस किस को आई हैं? चोटें सर थोड़ी थोड़ी सबके ही हैं। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ है, पता लगा कुछ? वो सर पता नहीं लगा कुछ, वो पुलिया में गाड़ी टकराई, रोड बिल्कुल खाली थी। इटावा में युवती के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जहां हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं नजर आए और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए जाम को खुलवाया। फिलहाल पूरे मामले में तनाव देखने को मिला। आज जनपद इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी अंतर्गत भर्थना चौराहे पे कुछ लोगों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तत्काल स्थानीय पुलिस एवं अन्य थाने की फोर्स पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर एवं एसडीएम सदर द्वारा भी मौके पे पहुंच के लोगों से बात किया गया एवं समझा बुझा कर वहाँ से मार्ग को खुलवा दिया गया था। इसी बीच कुछ युवक एवं अराजक तत्व निकट के नेशनल हाईवे पर चले गए और वहाँ भी उन्होंने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तत्काल एसडीएम सदर एवं सीओ सिटी एवं समस्त पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची। यद्यपि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नेशनल हाईवे को खुलवा दिया, यातायात सामान्य रहा। अलीगढ़ में जीआरपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल और एक सिपाही घायल बताए जा रहे हैं, और जिसके बाद घायलों को मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। जी, पुलिस के द्वारा दो अभियुक्त लाए गए थे, एक का नाम लवकुश था और एक का नाम पिंटू है उर्फ योगेंद्र। दोनों घायल अवस्था में हमारे पास आए थे, हमारे द्वारा उसका मेडिकल किया गया है। ये अब दोनों को पैर में चोट लगी थी, तो उसके लिए उनका मेडिकल किया गया है। इसमें सर पुलिसकर्मी भी घायल आया था? एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। तो सर क्या इनकी गोली लगी थी क्या? ये तो अभी जांच का विषय है, मेडिकल किया गया है, एक्सरे वगैरह के लिए भेजा गया है, आगे पता।